हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट एक हफ्ते की दिवाली छुट्टी के बाद ऑफिस आए हुए हैं। और ऑफिस आने के बाद मतलब यहाँ पे कुशल भी आ चुका है, मतलब उसके घर गया था, तो घर से आ चुका है ऑफिस। और मैं अभी सोच रहा था कुशल का जो दिवाली गिफ्ट था जो पेंडिंग था, कुशल घर जाने की वजह से उसको गिफ्ट दे नहीं पाया था, तो वो गिफ्ट उसे मैंने अभी दिया हुआ है। एंड देयर इज़ कुशल, तो लेट्स सी कि उसके गिफ्ट में क्या है अभी। क्या है कुशल, क्या लिखा है? और बाकी सब कुशल मंगल। ये था कुशल का दिवाली गिफ्ट। थैंक यू सर फॉर द गिफ्ट। कैसा लगा कुशल? थैंक यू सर फॉर द गिफ्ट। अच्छा ठीक है, तो अभी इतने टाइम के बाद ऑफिस आए, थोड़ा काम में लग जाता है। टेस्ट करूँ क्या? और क्या चाहिए लाइफ में? 300 Mbps का स्पीड, इंटरनेट का स्पीड, और कुछ नहीं। मतलब ये रीज़न है मेरे ऑफिस आने का। मतलब एक हफ्ते की छुट्टी के बाद ऑफिस आ जाओ, काम करो। अगर इतनी प्यारी प्यारी इतनी मस्त वाली स्पीड अगर मिलती है ना, तो फिर मैं जब भी छुट्टी शुरू हुई ना, तो मैंने शायद सिमरन को बोला था कि यार आई एम गोइंग टू मिस दिस स्पीड यार, बिकॉज ये स्पीड घर पर तो नहीं आ रही है। बट ऑफिस आने के लिए अगर कुछ रीज़न चाहिए तो मेरे पास एक वैलिड रीज़न है कि यहाँ पे इंटरनेट स्पीड अच्छा है। तो यहाँ से मैं वीडियोस को मतलब यू नो दिन में फिर ऐसे एक दो ब्लॉग्स बना बना के अपलोड कर सकता है ना। नाइस आइडिया भाई, तो बट ये हो नहीं सकता बिकॉज मैं अभी दिन में एक ब्लॉग भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूँ। बट ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि एक हफ्ते तक का चैलेंज लिया, मतलब एक वीक रेगुलर व्लॉग्स का चैलेंज है। तो एवरी डे नया व्लॉग आने ही वाला है, कुछ भी, मतलब मैं आके कुछ भी बकबक करूँगा, कुछ भी बोलूँगा, जस्ट आई विल मेक श्योर कि आपके लाइफ में थोड़ा सा मतलब 1% का भी अगर वैल्यू ऐड हो रहा है, तो देन आई विल बी मोर देन हैप्पी। बोलने के लिए होगा होगा सोचो, कुछ तो होगा बोलने के लिए। आज के दिन काम के अलावा कुछ नहीं बोलने के लिए, जो कि काम ऐसे चल रहा है, जो कि हो नहीं रहा है। आप अंगूर खा रहे हो या हमें चला रहे हो, दोनों में से एक भी चीज़ नहीं कर रहा। चलो निकल। तो अभी ऑफिस का टाइम ख़त्म हो चुका है, वो 6:30 हो रहा है, और अभी मैं निकल रहा हूँ मेरे घर की तरफ। तो मैं आपको मिलता हूँ घर जाके, ठीक है? तो फाइनली मैं अभी घर पहुंच चुका हूँ ऑफिस के नो काम के बाद, ऑफिस के पूरे रूटीन के बाद, जो कि मेरा ऑलमोस्ट एक वीक के बाद का ऑफिस था। इट वॉज़ क्वाइट गुड। बहुत ज़्यादा काम नहीं था आज के दिन में, थोड़ा बहुत इधर उधर का काम था, और उसके अलावा फिर कुछ नहीं है, थोड़ा सा चिल किया। स्कैम सीरीज़ को मैंने देखना फाइनली शुरू किया आज, मुझे जब थोड़ा टाइम मिला दोपहर को लंच ब्रेक में, तो आई स्टार्टेड वॉचिंग स्कैम एंड इज़ वंडरफुल सीरीज़। मतलब जो मैंने सुना था, जितने मैंने रिव्यू सुने थे उसके मुकाबले इट इज़ मस्ट वॉच सीरीज, सीरियसली। मतलब बढ़िया सीरीज जा रही है, अभी तक तो मैंने एक या फिर दो एपिसोड्स हार्डली मैंने देखे होंगे, अभी तक तो मुझे अच्छी लग रही है। कंटेंट वाइज इट इज़ गुड और मस्ट है, मतलब मस्त सीरीज है। उसके अलावा फिर अभी दूसरा एक चीज़ जो मैंने कल के ब्लॉग में आपको बताया था कि मुझे एक टैगलाइन चाहिए, और टैगलाइन के अलावा आई एम प्लानिंग अ लोगो फॉर दिस चैनल। लोगो तो बन के आ चुका है, तो मैं शायद इस वीडियो के एंड में, इस व्लॉग के एंड में मेरा लोगो आपको दिखाई देगा कि लोगो किस तरीके का चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ उसको पूरा लोगो दिखा दूँ या क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आई माइट, मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ कि आपको लोगो कैसा दिखाऊँ। आपको एक छोटी सी नो ग्लिम्स दे देता हूँ लोगो के, मतलब एक छोटी सी झलक दे देता हूँ बस लोगो के। उसके बाद जो टैगलाइन है, टैगलाइन के लिए मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस आ चुके हैं अभी। मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे DM करके मुझे टैगलाइन दी हुई है,
उनमें से कुछ टैगलाइंस हो जो मुझे पसंद आ रही है, तो लेट्स सी अभी उनमें से कौन सा फाइनल हो रहा है। उसके अलावा नाउ आई एम एंजॉइंग माय बनाना शेक जो कि मैंने फाइनली शुरू किया है, जो मेरा नया डाइट प्लान आ चुका है तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल। तो एज पर माई डाइट प्लान तो उसको इन्जॉय कर रहा हूँ अभी। उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ काम है वो कर लूँगा, देन आई गेट बैक टू माई सीरीज स्कैम, तो फिर उसको देख लूँगा थोड़ा सा। आज के दिन में काफ़ी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ऐसे कुछ हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं हुआ है, जितना मैंने सोचा था उतना काम हुआ नहीं है, उससे काफ़ी कम काम हुआ है, बट ठीक है यार, एक दिन थोड़ा सा काम कम हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। वन मोर थिंग, मुझे कल जाना था धुलिया जो मैं कल जा नहीं पा रहा हूँ फॉर सम रीजंस, ऑफिस का काम है और ऑफिस की वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे जाना पॉसिबल नहीं है। हमारा एक फ्रेंड है मैक्सिस्ट नासिक के, अभी उनका BMW बाइक का कल डिलीवरी होने वाला है, तो आई एक्चुअली गोना मिस दिस थिंग। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इस चीज़ पर मैं कल जाके एक ब्लॉग शूट करूँ, एक अच्छा सा एपिसोड बना दूँ, बट जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कल मुझे जाना, बट नो वरीज, नेक्स्ट वीक का हमारा जो राइड होगा तभी मैं आपको वो दिखा दूंगा, बाइक को तो दिखा दूंगा ऑब्वियस है, वो भी हमारे ग्रुप की मेंबर होने वाली है, तो वो तो एवरी टाइम आने ही वाला है कंटेंट के अंदर, वो बाइक आने ही वाली है। कौन सी बाइक है क्या है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बता दूंगा जब वो आएगी। उसके अलावा आज के वीडियो में शायद थोड़ा सा आपको हल्का सा चेंज दिखाई देगा, बिकॉज मैंने आज मेरा एक जो फोटोग्राफी का पूरा किट था वो किट निकाल के लाइट्स वगैरह लगा के बस फर्स्ट टाइम उसको शूट करा, थोड़ा सा आपको स्लाइट चेंज नज़र आ जाएगा उसके अंदर, तो मे बी मुझे बताना आपको इस वीडियो में थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे बताना। वन मोर थिंग, कुछ टाइम पहले मैं एक चीज़ सोच रहा था, मतलब आई वॉज थिंकिंग, हम लोग ना मतलब लेट नाइट तक फ़ोन्स को लेके बैठते हैं या फिर यू नो स्नैपचैट फेसबुक इंस्टाग्राम और इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट नहीं कर रहे बट बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग उस पर यू नो, बिकॉज अगर एक बार आप फ़ोन को हाथ में ले रहे हो तो यू आर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टाइम स्क्रोलिंग डाउन और स्क्रोलिंग जस्ट इंस्टाग्राम का फीड। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा अभी इस चीज़ पर लिमिटेशन लाना शुरू कर दूँ, तो मैंने आज से एक चीज़ शुरू किया है, मॉर्निंग में मैं किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट को या फिर किसी भी सोशल मीडिया को या फिर रादर मैं फ़ोन को ही हाथ में नहीं लेने वाला। एवरी मॉर्निंग 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ माई फ़ोन, दिस इज़ गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट रूल। तो मैं आज से शुरू कर चुका हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है आई नो, अ मार्केटर, अ डिजिटल मार्केटर विदाउट अ फ़ोन इन द मॉर्निंग और लेट नाइट, दैट इज़ इम्पॉसिबल, बट ठीक है, एक ये चेंज आना बहुत ज़रूरी, बिकॉज इतने सालों से हम लोग फ़ोन्स को लेके इतने ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि विदाउट फ़ोन हम लोग का दिन की शुरुआत नहीं हो पा रही, लेकिन अभी ये मुझे चेंज आज के दिन में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा उसको एक्सेप्ट करना, बट मे बी और 3 दिन का ही चैलेंज है, बिकॉज 3 दिन के ऊपर मैं रहना बहुत डिफिकल्ट है इंस्टाग्राम और फेसबुक और स्नैपचैट के बिना। स्नैपचैट तो मैंने आज डिलीट कर दिया बाय द वे, तो आई एम नॉट देयर ऑन स्नैपचैट। So tomorrow onwards I won't be active on Instagram and Facebook and WhatsApp in the morning for at least 1.5 hours. So morning ke almost 10 o'clock ke baad mein main social media pe active rehne wala, uske pehle I won't be there active. So ye mera khud ka bhi ek naya challenge hai, naya rule hai jo main set karne ki koshish kar raha hu. Isme se positive cheez hai agar kuch hone wali to wo ye hai ki एवरी मॉर्निंग वी ओपन सोशल मीडिया साइट्स और हम लोग को कुछ ऐसा कंटेंट दिख जाता है जिसको हम लोग को देखना नहीं होता, एंड वी आर लाइक, मतलब अगर दिन की शुरुआत ऐसे हो रही ना तो मतलब नहीं उसका, तो उसके अलावा कुछ ऐसा कंटेंट देखो जो आप देखना चाहते हो। तो मैं रादर प्रेफर करता हूँ कि मॉर्निंग में उठ के कोई अच्छा सा जैन म्यूज़िक सुन लूँ या फिर पपॉन का कोई सॉन्ग सुन लूँ या फिर यू नो एनी गुड म्यूज़िक, इवन आई एम ह्यूज फैन ऑफ अनुष्का शंकर है, अतीतम है, सो इनको सुन के फिर दिन का अगर शुरुआत हो रहा है तो इट इज़ गुड थिंग। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चीज़ पर थोड़ा सा अमल करना शुरू कर दूँ। सो आई थिंक आज के दिन में कुछ बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव कुछ किया नहीं है, कुछ क्रिएटिव कोई चीज़ करी नहीं है, ऑफिस गए, ऑफिस में काम किया एंड दैट्स इट, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई थिंक आज के लिए यहाँ पे इस वाले ब्लॉग को रोकता हूँ। ऑल्सो आई एम प्लानिंग कि नेक्स्ट 8 डेज तक कंपल्सरी ब्लॉग्स आएंगे, तो ये मेरा प्रॉमिस है आप लोग को,
8 days का चैलेंज है, 3 vlogs ऑलरेडी जा चुके हैं लास्ट, मतलब 8 days बैक टू बैक एवरी सिंगल डे नया व्लॉग जाएगा, डेली व्लॉगिंग बेसिकली। सो ये मेरा एक अभी टारगेट बोल सकते हो आप, या फिर एक अपना चैलेंज बोल सकते हो, 8 days व्लॉगिंग चैलेंज बोल सकते हो इस चीज़ को। तो एवरी डे व्लॉग जाएगा, सो मैं इस वाले व्लॉग को बना रहा हूँ। तो येस, आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो विथ न्यू कॉन्टेंट, न्यू व्लॉग। तब तक I'll enjoy my banana shake. See you tomorrow.